Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Dr. Shweta Sharma और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर अकर जार में कैविटी हो गई है तो क्या उसे फिल कराना चाहिए या फिर निकलवाना चाहिए या फिर उसका नसों का इलाज यानी कि RCT करानी चाहिए। इन तीनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो विजडम टूथ है यानी कि अकल जड़ है वो इरप्ट हो रही है या हो चुकी है या फिर हो ही नहीं रही है, बार बार जस्ट पेन हो रहा है। जनरली जो एज होती है इसकी इरप्ट होने की वो 16 to 18, 20, 24, 25 तक भी इवन बहुत सारे लोगों की आ जाती है। तो इसलिए जब भी आपको यहाँ पे पेन फील होता है या फिर कान के ऊपर पेन फील होता है या फिर बहुत सारे लोगों की जो शिकायतें रहती है दैट इज कि सिर में भी दर्द रहता है इसकी वजह से, तो ये सभी जो सिम्टम्स है जैसे कि मुंह कम खोलना या फिर पूरे दिन पेन रहना कान के पीछे या फिर कान के आगे ऊपर या फिर इवन हेडेक, तो ये सभी जो लक्षण है सिम्टम्स है इनसे ज्यादातर हम पता लगाते हैं कि हमारी जो विजडम टूथ है वो इरप्ट हो रही है। और आप एक और तरीके से इसको एग्जामिन कर सकते हैं, अगर आपके नीचे वाले टीथ 14 है और ऊपर भी 14 है दैट मीन्स कि अभी तक 28 दांत ही आपकी ओरल कैविटी में है, यानी कि 4 टीथ और अभी आने बाकी हैं, एक ऊपर विजडम टूथ, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, 4 विजडम टीथ अभी इरप्ट होने बाकी हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको पेन हो रहा है तो ज्यादातर हो सकता है कि आपका विजडम टूथ इरप्ट हो रहा है। इन केसेस में आपको जनरली एक हफ्ते के लिए, एक वीक के लिए वेट करने के लिए बोला जाता है। एक वीक में जनरली हमारी जो विजडम टूथ है अगर डायरेक्शन उसकी सही है तो वो ऊपर आ जाएगा, और इस दौरान अगर आपको पेन होता है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि एक तो इन्फेक्शन ना हो और सेकंड जो आपका पेन है उसमें रिलीफ हो। तो इसलिए अगर उस एक हफ्ते के दौरान आपको पेन होता है तो उसको सहन करने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। अब बात आती है कि अगर एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, विजडम टूथ निकल भी नहीं रहा है और आपको पेन भी बहुत हो रहा है, तो उन केसेस में आपको नियर बाय डेंटल क्लिनिक जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि क्लिनिक पे हम एक एक्सरे करते हैं जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि अगर मसूड़े ज्यादा थिक है यानी कि थोड़े मोटे हैं तो हम उसमें एक इंसिजन दे सकते हैं ताकि वो जल्दी इरप्ट हो जाए। अलोंग विद दैट अगर दांत की डायरेक्शन ही गलत है, दांत आना चाहिए सीधा पर वो थोड़ा आगे की तरफ मुड़ा हुआ है या फिर पीछे की तरफ टिल्टेड है तो इन केसेस में दांत आएगा ही नहीं, चाहे आप एक साल दो साल कितना ही क्यों ना वेट कर लो। तो इन केसेस में हम जनरली सलाह देते हैं एक्सट्रैक्शन की यानी कि निकलवाने की, क्योंकि 1% अगर अभी पेन ठीक हो जाता है दोबारा तो पेन होगा ही होगा, क्योंकि वो दांत अंदर नर्व्स को इरिटेट करता है प्लस ऊपर तो वो आएगा ही नहीं, इसलिए पीरियोडिकली आपको पेन फील होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम मुझे 5 महीने पहले जो विजडम टूथ था उसमें पेन था, अभी दोबारा फिर से हो रहा है, या फिर कुछ लोग कहते हैं मैडम 1 साल पहले था पेन, फिर वो 5 महीने पहले दोबारा हुआ, फिर ठीक हो गया था, फिर अब से है। तो वो पीरियोडिकली आपको इसी वजह से, क्योंकि वो टूथ ऊपर नहीं आ पाया, वो नीचे ही आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो इसलिए बेटर होता है इन केसेस में कि एक्सट्रैक्शन ही हो। अलोंग विद दैट जिन लोगों की विजडम टूथ में कैविटीज होती है यानी कि टूथ डिके होता है उन केसेस में कई लोगों को सलाह दी जाती है कि एक्सट्रैक्शन कराइए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें एक्सट्रैक्शन नहीं कराना है, चाहते ही नहीं हम, तो करना क्या है या फिर RCT हो सकता है, क्या क्या करवा सकते हैं और एक ऐसा इलाज जिसका फ्यूचर में ज्यादा हानिकारक या नेगेटिव इफेक्ट ना आए। तो बेसिकली अगर आपके विजडम टूथ में यानी कि अकल जड़ में कैविटी है छोटी सी तो उसको आप नॉर्मल जो फिलिंग होती है, फिलिंग मटेरियल होता है, उसकी हेल्प से फिल करा सकते हैं। उन केसेस में RCT या फिर टूथ एक्सट्रैक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है। अलोंग विद दैट अब अगर बात आती है ज्यादा डिके हो गया है यानी कि जो नसें होती हैं दांत की वो भी अभी इन्वॉल्व हो रखी हैं और इन्फेक्शन हुए और इसी की वजह से अगर आपको पेन फील हो रहा है, उन केसेस में ज्यादातर सलाह दी जाती है टूथ एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत निकलवाने की। वो इसलिए क्योंकि हम विजडम टूथ को एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह मानते हैं,
यानी कि जो नॉर्मल हमारा खाना चबाने का काम होता है उसके लिए जितने दांत चाहिए होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर ऑलरेडी होते हैं। प्लस विजडम टूथ एक कॉम्प्लेक्स टूथ होता है, यानी कि 1% भी अगर पल्प रेमनेंट इसमें रह जाते हैं तो फिर उसकी वजह से आगे आपको पेन फील हो सकता है, आरसीटी फेलियर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए बेटर होता है कि इस दांत को निकलवाया जाए, क्योंकि इस दांत का कोई भी यूज नहीं है, यूज ही नहीं है तो निकलवाने का ही फायदा है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम निकलवाएंगे नहीं, निकलवाने से तो हमारी आंखों पे फर्क पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर ये बात एक्चुअली कहाँ से आई है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले के जमाने में जब जो एनेस्थीजिया होते थे वो नहीं थे, तब जितने भी हमारी नर्व्स थी, नसें थी, उनको दबा के प्रेस करके उनको एनेस्थेटाइज किया जाता था, यानी कि उनको दबा दिया जाता था ताकि कुछ टाइम के लिए उनमें पेन फील ना हो। उन नसों को दबाते टाइम कई बार जो आई से रिलेटेड नर्व्स थी वो भी कई बार डैमेज हो जाते थे, जिसकी वजह से उनका आई साइट पर इफेक्ट होता था। पर आज के टाइम पे जब हमारे पास लोकल एनेस्थीजिया है, एग्जैक्ट हम जहां पे दांत निकालना होता है वहीं पे हम लोकल एनेस्थीजिया डिपॉजिट करते हैं, केवल उतना ही एरिया आपका सुन किया जाता है जिससे आपका वो दांत निकालने में आपको पेन फील ना हो। तो इसलिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है कि अगर दांत निकलवा दिया तो उसका आई साइट पर इफेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब बहुत पेन होगा, तो बिना पेन के ट्रीटमेंट करना ही तो हमारा काम है। तो अपनी सारी चिंताएं हम पे छोड़ दीजिए, हमारा काम है बिना दर्द के आपका दांत निकलवाना, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके अलावा जो लोग बिल्कुल ही नहीं चाहते कि नहीं हमें तो आरसीटी ही करानी है, तो भाई करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आरसीटी भी हो जाती है। पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इस टूथ की, और अगर 1% भी पल्प रेमिनेंट रह जाते हैं तो पेन फील होने के चांसेस हो जाते हैं। 1% ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे एक फैक्टर इम्पोर्टेंटली काम करता है कि इस दांत का कोई जब यूज ही नहीं है खाना चबाने में, तो आप इजीली इसको निकलवा सकते हैं बिना किसी डाउट के। निकलवाने से पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। अगर आप फीमेल हैं और प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो डॉक्टर को पहले जरूर बताएं कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी और समथिंग। अलोंग विद दैट अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल बीपी से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, जितनी भी डायबिटीज, ये जितनी भी आपकी मेडिकल कंडीशंस है, ये डॉक्टर को पहले ही जरूर बताएं ताकि डॉक्टर इनके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट प्रोसीड करें। अलोंग विद दैट जिस दिन आप दांत निकलवाते हैं उस दिन के बाद 24 घंटे तक आपको कुछ भी गर्म नहीं खाना होता है। जो भी आप खाएंगे नरम खाएंगे और ठंडा खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दलिया, खिचड़ी, जो भी सॉफ्ट डाइट होती है उनको यहाँ पे रखो, नॉर्मल ठंडा हो जाए उसके बाद आपको खाना है। अलोंग विद दैट जब भी आप दांत निकलवाते हैं उसके 1 घंटे तक कॉटन आपको यहाँ पे लगाई जाती है ताकि खून का थक्का वहां पे जम जाए, तो वो 1 घंटे तक या फिर 45 मिनट तक कॉटन आपको नहीं हटानी है। 45 से 1 घंटे के बाद जब आप उस कॉटन को रिमूव करेंगे उसके तुरंत बाद आप कुछ ठंडा पिए, फॉर एग्जाम्पल फ्रूटी आप पी सकते हैं या फिर जूस आप पी सकते हैं या फिर आइसक्रीम आप खा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कोई भी केमिकल या फिर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं वो ना पिए। अलोंग विद दैट जो आइसक्रीम अगर आप खा रहे हैं तो वो उसमें नट्स ना हो, प्लेन आइसक्रीम आपको खानी है। और जो भी ठंडा जूस पियेंगे आप उसको स्ट्रो से नहीं पीना है। जनरली लोग फ्रूटी के साथ जो स्ट्रो आते हैं तो फ्रूटी स्ट्रो से ही पीते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको जो फ्रूटी है वो ग्लास में डाल के सिप करके पीना है। ऑलराइट, और 24 घंटे तक कुछ भी गर्म नहीं खाना है और सख्त चीज नहीं खानी है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग सिगरेट या फिर टोबैको लेते हैं दांत निकलवाने के, वैसे तो देखो कभी भी खाना ही नहीं चाहिए, इसके रेसिप्रोकेशंस तो आपको पता ही है, कॉम्प्लिकेशंस तो आपको पता ही है, बट स्टिल अगर आप टोबैको, एल्कोहल या फिर सिगरेट लेते हैं तो दांत निकलवाने के विद इन 2 या 3 डेज ना लें। जनरली जहां से हम दांत निकालते हैं वो जो घाव होता है उसको भरने में 2 से 3 दिन लगते हैं। अगर इन 2 या 3 दिन के बीच में आपने कोई भी बीड़ी, सिगरेट या फिर टोबैको लिया तो उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वो इन्फेक्शन ठीक होने में 2 या 3 महीने लग जाते हैं और पेन होता है भयंकर। तो उन सभी चीजों से बचने के लिए आप प्रिवेंशन करें, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसलिए आप पहले ही सावधानी बरत लेंगे कि अल्कोहल या फिर बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है आपको विद इन 2 या 3 डेज दांत निकलवाने के बाद, तो घाव आपका जल्दी भरेगा। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगेगा तो भाई नीचे लाइक जरूर कर देना। अलोंग विद दैट अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे।
तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद।